ये हमने स्प्रिंग ऑनियन ले लिए हैं और ये मिर्चा ले, ये दोनों को हम बारीक काट लेंगे, ये दोनों को हम बारीक काट लेंगे मिर्चा को और इसको। फ्रेंड्स हमने प्याज को बारीक काट लिए हैं, हमने पत्ता प्याज को बारीक काट लिए हैं, धनिया पत्ता को भी बारीक काट लिए हैं और हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया, हरी मिर्च हमने 4-5 लिए हैं। फ्रेंड्स ये इस सब को हम एक बर्तन में ले लेंगे और 1 कप हम बेसन लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और हल्दी भी डाल देंगे, नमक अजवाइन सब डालकर इसको फेंट कर हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स अब चलिए हम मसाले इसका तैयार करें। ये हैं स्प्रिंग ऑनियन ले लिए हैं और उसमें हमने बेसन 1 कप मिलाए हैं और हरी मिर्च 1/2 टेस्ट अनुसार और नमक और अजवाइन और मंगरेल डाले हैं। अब इसको हम फेंट लेंगे, फेंट को रख देंगे, उसके बाद हम इसको तेल में छान लेंगे। अब हम रेस्ट करने के लिए इसे रखते रहते हैं, थोड़ा ये कल जाएगा तो मेरा ये एकदम पूरा अच्छा हो जाएगा। इसमें नमक ऐड कर देंगे और ये हमने तेल गर्म कर दिए है, कढ़ाई बिठा दिए है, ऐसे करके हम मिक्स कर नमक को इसमें ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। हमारा नमक मिक्स हो जाएगी तो इसको हम तेल गर्म हो चुकी है, अब हम इसको ऐसे छान लेंगे। फ्रेंड्स हम इसको लो फ्लेम में ही फ्राई कर लेंगे, लो फ्लेम में, नहीं तो हम हाई फ्लेम में करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। अब हम लो फ्लेम में धीरे धीरे करके इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स इसको हम लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, इसको लो फ्लेम में फ्राई, थोड़ा कुक हो जाएगी तब हम इसको डीप फ्राई के लिए थोड़ा मीडियम और हाई रख देंगे। पर अभी तो हमारा अंतर तक ले कुक होने के लिए ही लो फ्लेम में ही कुक करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर तक ही कुक हो जानी चाहिए। ये स्प्रिंग ऑनियन का पकौड़ी है। फ्रेंड्स ये रेसिपी को आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स देखिए हमारा अब हम हाई फ्लेम कर दिए हैं, मीडियम और हाई फ्लेम कर दिए हैं, अब हमारा थोड़ा कुरकुरी हो जाएगी तब हम इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमारी हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। नीचे बनकर तैयार हो चुका प्याज का पकौड़ी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।